हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वीसीआरएस सिस्टम में हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों नहीं करते हैं, हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन क्यों यूज करते हैं वहां पर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आर नॉट प्रिफर्ड इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो वीसीआरएस सिस्टम है उसमें हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये हमारा वीसीआरएस सिस्टम होता है जिसके अंदर 1-2 प्रोसेस क्या होती है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। क्या नाम है इसका, 1-2 प्रोसेस का, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। 2-3 प्रोसेस आपको पता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होती है। 3-4 क्या होती है, 3-4 प्रोसेस क्या है, ये हम होती है, हमारी होती है आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है 3 और 4 पॉइंट की, जबकि यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है S1 = S2। अब क्वेश्चन यही है कि कंप्रेशन प्रोसेस को तो हम आइसेंट्रोपिक तरीके से कर रहे हैं, जबकि एक्सपेंशन प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पिक तरीके से कर रहे हैं, ऐसा क्यों, हम एक्सपेंशन को भी आइसेंट्रोपिक तरीके से क्यों नहीं करते हैं। अब इसका आंसर देखिए, मान लेते हैं कि आप आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टर्बाइन लगानी पड़ेगी या कोई एक्सपेंडर लगाना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट होगी। अब वो कॉस्ट तभी जस्टिफाई होगी जब आपको वर्क मिले, ठीक है, जब आपको अच्छा सा वर्क मिले, एक गुड क्वांटिटी में आपको वर्क मिलेगा, तभी आप जस्टिफाई कर पाओगे कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर। अब देखते हैं कितना वर्क आपको मिलता है। देखिए, वर्क ऑफ एक्सपेंडर क्या होगा, माइनस वी डीपी। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका लेंगे हम, देखिए वर्किंग सब्सटेंस जब इंटर करता है एक्सपेंडर में तो वो किस स्टेट में है, वो आपकी सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका आएगा, लिक्विड का, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्क क्लोज सिस्टम के लिए होता है, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए, तो वो क्या होता है, पीडीवी, जबकि ओपन सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है आपका, माइनस वीडीपी, ठीक है। और ये हमारा एक्सपेंडर चाहे टर्बाइन हो, ठीक है, वो आपका कैसा होता है, ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में हम माइनस वीडीपी लेते हैं। अब उसी टाइप से आप देखिए, वर्क ऑफ कंप्रेशन कितना है आपका, माइनस वीडीपी, बट ये वी कौन सा है, वी है आपका गैसियस स्टेट में, कौन सा है, गैसियस स्टेट में। अब दोनों को कंपेयर कीजिए आप, तो आपको दिख रहा होगा स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस का, आपको पता है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम गैसियस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट। कोई भी सब्सटेंस है अगर वो गैसियस स्टेट में होगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इन लिक्विड स्टेट। तो इससे ये आइडिया लग गया होगा आपको कि जो वर्क ऑफ एक्सपेंडर है वो काफी कम, वर्क ऑफ एक्सपेंडर इज वेरी वेरी लेस देन वर्क ऑफ कंप्रेशन। जो एक्सपेंशन में वर्क आपको मिलेगा अगर आप आइसेंट्रोपिक तरीके से करते हो तो वो काफी कम होगा एज कंपेयर टू वर्क ऑफ कंप्रेशन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो इसका मतलब कंप्रेशन में तो बहुत ज्यादा वर्क आपको देना पड़ रहा है जबकि एक्सपेंशन में आपको बहुत कम वर्क मिल रहा है, इसीलिए हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडर कि वर्क आपको काफी कम मिल रहा है, ठीक है, एज कंपेयर टू कंप्रेशन, और आप कॉस्ट ज्यादा लगा रहे हो, ज्यादा मतलब टर्बाइन आपने लगा दी कोई, ठीक है, तो वो एक्सपेंस करेगी, एक्सपेंड करेगी, बट टर्बाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, वर्क बहुत कम मिलेगा। अगर गैसियस स्टेट में होता तो हमें वर्क ज्यादा मिलता, बट यहाँ पर लिक्विड जो आपका इनलेट है, ठीक है, जो एक्सपेंडर का इनलेट है, वर्किंग सब्सटेंस किस स्टेट में है, लिक्विड में। अगर वो गैसियस स्टेट में होता तो मैं जरूर यहाँ पर टर्बाइन लगाता, ठीक है, जो कि मैं कहाँ पर करता हूँ, आपको पता है कि रैंकिन साइकिल वगैरह हम यूज करते हैं, वहां पर जो स्टेट होती है, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में होता है, इसीलिए हम वहां पर टर्बाइन लगाते हैं, यहाँ पर नहीं लगाते। अब यहाँ पर हम यूज क्या करते हैं, आइसेंथैल्पिक, आइसेंथैल्पिक वो प्रोसेस होती है जहां पर एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है,
इसके लिए मैं डिवाइस कौन सा यूज करता हूँ, मान लीजिए कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं, तो एक कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, लार्ज लार्ज लेंथ की स्मॉल डायमीटर का एक पाइप होता है, तो पाइप तो बहुत सस्ता आता है, तो उसी से एक्सपेंशन करा देते हैं हम, क्या होता है हाईली रिवर्सिबल होता है, प्रेशर डाउन हो जाता है, तो इसीलिए हम हमें पता है कि हमारा वर्क बहुत कम मिलेगा अगर हम यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे आइसेंट्रोपिक तरीके से, और जबकि खर्चा बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए हम यूज नहीं करते हैं, हम एक बहुत सस्ता डिवाइस ले लेते हैं, पाइप। पाइप तो बहुत सस्ता आता है, कैसा पाइप होता है, लार्ज डायमीटर का, रिड्यूसिंग डायमीटर का, ठीक है, लेंथ बहुत ज्यादा होगी उसकी, उस जो पाइप की आपकी ट्यूब बुलाते हैं, एक्चुअल में ट्यूब कैपिलरी ट्यूब होती है, वो ट्यूब लार्ज लेंथ की बहुत ज्यादा होगी उस ट्यूब की, और डायमीटर काफी कम होता है, ठीक है, तो उसको कैपिलरी ट्यूब बुलाते हैं हम। तो थैंक यू।